आगामी 6 अगस्त को मऊ जनपद में समाजवादी पार्टी के तत्वधान में जनपद के पुरानी तहसील स्थित आरएस प्लाजा में सपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होने वाला है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के जनपद के तमाम नेता व कार्यकर्ता काफी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं और जुटे हैं अपनी पार्टी के इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के प्रयास में। इसी कड़ी में वाराणसी काशी विद्यापीठ से छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व सपा नेता राहुल दुबे भी लगातार क्षेत्र में नजर आ रहे हैं और निरंतर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। राहुल दुबे का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार से त्रस्त है और लोग मन बना चुके हैं 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार व उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने का। सुनिए इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में राहुल दुबे ने क्या कुछ कहा। अपने बारे में बताएं, किस तरह राजनीतिक जीवन में आपने कदम रखा, कहां से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया? देखिए, हमारी पूरी शिक्षा दीक्षा बनारस हुई है और मैं काशी विद्यापीठ जैसे ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में छात्र संघ का इलेक्शन लड़ा और मैं वहाँ से जीत के अध्यक्ष हुआ। उसके बाद से उसमें भी भाजपा ने जितनी ताकत उनको लगानी थी हमको हराने के लिए, भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, चूँकि वो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उनके जितने बड़े स्तर के मंत्री थे सब लग गए थे हराने के लिए, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा और ऐतिहासिक जीत काशी विद्यापीठ से हुई। और उसके बाद हम लोग सक्रिय राजनीति में हैं और अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने का काम लगातार कर रहे हैं। तो इस बार क्या 2022 में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, अगर वो मौका देंगे, जनता का सेवा करने का अवसर मिलेगा तो जरूर लड़ा जाएगा। सभी लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस चुनाव को मजबूती से लड़ा जाएगा और उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का, हर समाज, हर वर्ग के लोग, हर छात्र, नौजवान, गरीब, किसान, सभी लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आना चाहते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोग तैयार हैं। देखा जाए समाजवादी पार्टी में यादव समाज का काफी दबदबा रहता है, ऐसे में ब्राह्मणों को साथ लेकर कैसे चलेंगे? देखिए, सुदामा और कृष्ण की दोस्ती बहुत समय से है, तो उसमें ये कहना आपका गलत है कि किसी का दबदबा है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ब्राह्मण चलने के लिए तैयार है। देखिए, बहन जी के चाल चरित्र पे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, उनको जनता जान चुकी है, इसीलिए वो लंबे समय से सत्ता से बाहर है, उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में यूथ हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो सबके बारे में सब कुछ जानते हैं और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग काम पे भरोसा करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जितना काम उत्तर प्रदेश में कर दिया कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं करेगा और दोबारा उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव की जरूरत है। देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रही है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता एकदम व्याकुल है, किसी का कोई फर्क नहीं है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2022 में। तो क्या आपकी पार्टी गठबंधन करेगी छोटी पार्टियों से? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, इस पे अभी मेरा बोलना ठीक नहीं है कि गठबंधन किससे होगा किससे नहीं होगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। बहन मायावती जी का सोशल इंजीनियरिंग सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त है, फेल है, वो सत्ता के बाहर ही रहेंगी, सत्ता के अंदर अब नहीं आ सकती है। तो क्या देखा जाएगा जो लड़ाई होगी भाजपा और सपा ही होगी? ये डेफिनेटली ये सारी चीजें तय है कि अगर भाजपा को कोई मुकाबला दे रहा है, कोई टक्कर दे रहा है, तो वो अखिलेश यादव है। वो ये जान जाइए कि जनता त्रस्त है भाजपा से, भाजपा के नेताओं से जनता त्रस्त है, ना जनता का कोई काम हो रहा है, ना भाजपा के नेता जनता से मिल रहे हैं, इसीलिए जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है कि अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे।